सभी को नमस्कार। और समय समय पर मैं आप सबको संबोधित करते हुए दरभंगा जिला का वास्तविक स्थिति और कोरोना के लड़ाई में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को लगातार समय समय पर अवगत कराते रहा। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दरभंगा जिला में कुल कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 16 हुआ है। ज़्यादातर मामले बाहर से जो लोग आए हैं उन लोगों के टेस्ट कराने की वजह से हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह रही कि ज़्यादातर लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन कैंप में ही हम लोग रख करके हम इनको टेस्ट कराए थे। और दूसरी बात, ज़्यादा टेस्टिंग भी हम लोग कराने लगे ताकि स्थानीय लोग और यहाँ पर पहले से रहने वाले लोगों को किसी प्रकार का संक्रमण का दिक्कत नहीं हो। इसमें 16 लोगों का अभी पॉजिटिव पाया गया है। इन लोगों का पूरा इन्फेक्शन ट्रेल यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराया जा रहा है। इन लोगों के साथ जो भी कांटेक्ट में आए हैं सबको हम लोग टेस्ट करा रहे हैं। तत्काल एक गांव गोड़ा बोराम के कन्हैया गांव को सील कराई गई है। शेष लोग क्वारंटाइन कैंप से ही निकले, इसलिए उन क्वारंटाइन कैंप्स को ही कंटेनमेंट जोन के रूप में बनाए। अब बाहर से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अभी दरभंगा जिला में 5454 लोग बाहर से आ चुके हैं और इन लोगों को हम लोग ने क्वारंटाइन कैंप स्थापित करके प्रखंड स्तर पर सभी समुचित व्यवस्थाएं के साथ रख रहे हैं। इन लोगों को भोजन, चिकित्सा, शुद्ध पेयजल, स्नानगार, शौचालय सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है। लगातार इसको मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर, रेस्क्यू के स्तर पर, सभी वरीय पदाधिकारी के स्तर से हो रहा है। हम लोगों की कोशिश रहेगी कि इन लोगों का व्यवस्था के साथ, सभी समुचित व्यवस्थाएं के साथ साथ इन लोगों का स्किल सर्वे भी हो रहा है। स्किल सर्वे में ये जिस प्रकार के कार्य बाहर कर रहे थे दूसरे राज्यों में, उस प्रकार के कार्य यहाँ कराने में भी हम लोग पूरा कोशिश करेंगे और इन लोगों को यहाँ पर हो रहे कार्य के साथ टैग करेंगे। यानी नए अगर कुछ कार्य शुरू कराना हो, ये हमारा असर्ट है। इसको इन जो लोग बाहर से आए हैं इन लोगों को हम ऐसा देखेंगे कि हमारे असर्ट है, लायबिलिटी नहीं। और इन असर्ट को हम अच्छे तरीके से अपने आर्थिक गतिविधियों आगे बढ़ाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश जारी है। प्रथम चरण में इन सब लोगों का स्किल सेट का सर्वे हुआ है। इसमें कई प्रकार के स्किल्स के साथ लोग आए हैं, वो सबको हम लोग एनलिस्ट कराए हैं, सूचीबद्ध कराए हैं और इन लोगों को आगे भी अब कुछ मौका देने के लिए प्रयास हम लोग करेंगे। राशन कार्ड जो युद्ध स्तर पर बनाने का काम जारी है। लगभग हम लोग 1,30,000 परिवार ऐसा चिन्हित किए हैं जिसका नया राशन कार्ड बनाएंगे और ये जून 10 तारीख तक बिल्कुल बन जाएगा। अभी तक 15,000 के आसपास राशन कार्ड बन चुका है और जो शेष बचे हुए राशन कार्ड जल्द से जल्द बनाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी लगातार निगरानी रख रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कई कार्य शुरू कराए गए मनरेगा के तहत 48,000 लोगों के ऊपर लोगों को मजदूरी दी गई है और कार्य विभागों में से भी कई लोगों को नौकरी और मजदूरी दी जा रही है। कई दुकानें खोलने के भी आदेश निर्गत की जा चुकी है। हमारे फेसबुक पोस्ट पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना लगातार हम लोग दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और हम लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता इसीलिए है कि बाहर से जो लोग हमारे मजदूर भाई आ रहे हैं उनमें से इन्फेक्शन का प्रतिशत ज़्यादा पाई जा रही है। पूरे बिहार में अभी तक 4% लोग जो बाहर से आए हैं उन लोगों में से इन्फेक्टेड कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अच्छी बात यह रही कि सब लोग एसिम्प्टोमेटिक है, परंतु संक्रमण का हमारे लोग जो पहले से आ रहे हैं उन लोगों के बीच में संक्रमण का गुंजाइश रहेगी, इसलिए सभी लोगों को ब्लॉक क्वारंटाइन में रखा गया है और इन लोगों को देखभाल की जा रही है और टेस्टिंग भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। कुछ गांव से सूचना आ रही है कि लोग चोरी छुपे अभी भी आ रहे हैं, इन लोगों को हम लोग निकाल करके ब्लॉक क्वारंटाइन में रख रहे हैं। 21 दिन के लिए ब्लॉक क्वारंटाइन रहेगा और इन 21 दिन के बाद उनको गांव छोड़ा जाएगा। तो आप सबसे यही अनुरोध है, जो प्रोटोकॉल छोड़ करके अपने स्तर से गांव में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें चिन्हित करके अविलंब स्थानीय प्रशासन को सूचित किया जाए ताकि उनको ब्लॉक क्वारंटाइन करा दिया जाएगा और गाँव हमारे सब सेफ और सिक्योर रहे। ये हमारा पहला प्राथमिकता है। ये हमारे लिए नेक्स्ट कुछ दिन के लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता रहेगी।
इसके साथ साथ आजीविका का साधन भी बहुत बड़े पैमाने पर शुरू कराने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। सरकार ने यह घोषणा की है कि सभी परिवारों को 4 मास्क उपलब्ध कराना है और ये कार्य पंचायत स्तर के जो वार्ड सदस्य पंचायत एक प्रत्येक पंचायत में जो वार्ड गठित है उसके एक एक वार्ड में वार्ड सदस्य रहते हैं उनके माध्यम से ये बांटा जाएगा और इसका व्यय खुद फाइनेंस कमीशन के माध्यम से होगा। इसका भी कार्य जल्दी शुरू होगा और जीविका के माध्यम से मास्क बनाया जाएगा, मास्क के साथ प्रत्येक परिवार को एक साबुन भी देना है। इस सब का कार्य हो रहा है और जल्द से जल्द होगा। अब सबसे मैं अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि लॉकडाउन को अभी भी पालन करें, अत्यावश्यक कार्य रहने पर ही घर से बाहर निकले। जब तक हमारे मजदूर भाई सब बाहर से आ जाएं और यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएं, तब तक लॉकडाउन का अक्षरश पालन करें और जब तक सरकार का निर्देश मिलेगी जब तक आपको लॉकडाउन का पालन करना होगा, सहयोग करना होगा। अति आवश्यक कार्य या जो कार्य निर्धारित है, जो सूचीबद्ध किया गया है, जो अलाउ किया गया है, उस कार्य के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन बाहर निकलने वक्त भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग, साबुन से बार बार धोना, सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना, मास्क पहनना या कम से कम गमछा लगा देना, इस प्रकार के सभी जो प्रिकॉशनरी गतिविधियां हैं उसको अपनाना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण से पूर्ण रूप से हम लोग अभी इस लड़ाई को हम जीत पाएंगे। अब सबको मैं अब सबका आत्मसंयम को मैं प्रणाम करता हूँ। अपने लोकन से विनम्र निवेदन, लॉकडाउन अक्षर से पालन करूँ, 2 गज दूरी बना के रहूँ, सामाजिक दूरी बना के रहूँ, सजग रहूँ और सतर्क रहूँ।